जय स्वामीनारायण। हाय फ्रेंड्स, मारू नाम है स्वाति स्वानी। आज हूँ लाई छू उना बधा फेवरेट अथाणु, खट्टू अथाणु। चलो आप बनाईए। कैरी लीधी है एने आप सारी नाखसू। कैरी मैं सारी लीधी से, झीणी सी से अथाणा मैट। संभार बनाया तो थोड़ा दिवस पहले मैं मूकी थी रेसिपी, ये तब जो लैजो ने बनावजो घरे। मसालो आ रीते बनाए, मसालो बहुत टेस्टी थे। मेरी आगनी रेसिपी जो लैजो बनावजो, तो तमारे गमे तेरे अथाणु बनाव हो थोड़ू पण तो ये जल्दी रेडी थी जाए। कैरी है एम थोड़क मीठू नाखी मैं 10-15 मिनट रेवा दीदी है। हमें आप अथाणु बनाई एक बाउल लीधे, एम कैरी एड करसू और एम मसालो एड करसू। तमारे जे प्रमाण भावत हो प्रमाण तीखो नाखो। आप 4 चमची नाखो एट्ला इनफ है, एने हमें हलाई नाखसू। थोड़ो ओछो लगे तो आप नाखी सकी छे। चार 5 चमची जो मसालो लगभग जी आम आटला में। हवे आपणे आनी पर कैरी पर चढ़े ना एटलो मसालो नाखवो ने। आपणे थोड़ुंक तेल लीधुं छे एने आपणे गरम करी लईशुं। थोड़ुं गरम थई जाय एटले पछी आपणे एने गैस बंद करी दईशुं, ठंडू पड़वा दीशू। एने आपणे जे गरम करेलू तेल ठंडु पड़वा दीधुं छे, एकदम ठंडु थई गयुं छे। हवे एने अंदर नाखी दईशुं, आपणे एड कर दईशुं अथाणु। हलाई दईशुं आपणे આપણું અથાણું તૈયાર છે ઇન્સ્ટન્ટ। ઉનાળાની સિઝનમાં જે નવું નવું અથાણું બનાવીએ તો આપણે થોડું થોડું બનાવીએ છીએ તો એ તાજું તાજું સારું લાગે છે। તો તમે ખાલી મેથીનો મસાલો નો બનાવી રાખો, થોડું થોડું કેરી લઈને આવી રીતે નાખો તો તાત્કાલિક સારું લાગે છે, તાજું તાજું। 12 માસનું પણ ભરવું હોય અથાણું તો આ રીતે જ કરવાનું છે। થોડું તેલ વધારે ગરમ કરીને એને દબાઈ દેવાનું હોય છે બરણીમાં, તો એ બગડતું નથી। જો આ મારી રેસીપી પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને શેર કરજો। થેન્ક યુ।